बोर्खेस के द फिक्शंस में एक कथा है। एक मनुष्य स्वप्न में किसी अन्य पूर्णतर मनुष्य की रचना करना चाहता था। इसके लिए उसने एक प्राचीन एम्फीथिएटर को चुना, जहां कभी अग्नि का उपासना गृह था। वहां वह स्वप्न की साधना करने लगा। सबसे पहले उसे एक धड़कता हुआ हृदय दिखाई दिया, फिर शरीर के दूसरे अंग, एक एक धमनी, शिरा, पेशी जोड़कर उसने एक मुकम्मल मनुष्य को रचा। लेकिन उसने उसे याददाश्त नहीं बख्शी, क्योंकि अपने निर्माण की प्रक्रिया याद कर वह अपमानित महसूस कर सकता था। और उसने उसे आग से दूर रहने की हिदायत दी, क्योंकि आग परछाइयों को नहीं जलाती। और तब एक दिन अग्नि का वह प्राचीन उपासना गृह आग की लपटों से घिर गया। यह अंत का संकेत था। उसने सोचा कि स्वप्न में एक सर्वांग संपूर्ण मनुष्य को रच डालने के गौरव के साथ अब वह मृत्यु को अंगीकार कर सकता है, और उसने स्वयं को अग्नि को सौंप दिया। लेकिन आग उसे जला नहीं पा रही थी। राहत के साथ, दहशत के साथ और अपमान के एक तीखे दंश के साथ उसे समझ आ गया कि वह खुद एक प्रतिबिंब था और कोई अन्य व्यक्ति उसका स्वप्न देख रहा था।